1 जनवरी को भारत में 67,385 बच्चों ने जन्म लिया। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। नए साल में खिलखिलाती किलकारियों की ये खबरें पढ़ते हुए मेरे जहन में कोटा के नवजात बच्चों की चीखें गूंज रही थी। कभी यूपी का गोरखपुर, कभी बिहार का मुजफ्फरपुर, तो कभी राजस्थान का कोटा। हर बार सैकड़ों मासूमों की मौत को राजनीतिक बयानों के ठंडे बस्ते में डालकर सिस्टम की उस खूंटी पर टांग दिया जाता है जहां तक किसी का हाथ नहीं जाता। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, darurepesh.in देख रहे हैं आप। आखिर क्यों इन मौतों के लिए किसी को हत्यारा नहीं ठहराया जाता? आखिर क्यों मौत कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाती? राजस्थान के कोटा जिले के जेके लोन अस्पताल में करीबन एक महीने में बच्चों की मौत का आंकड़ा 100 की संख्या के पार जा चुका है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। बयानबाजी और सियासी कुतर्कों की आड़ में असल समस्या को नकारने की कोशिश जोरों पर है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, सो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक कांग्रेस पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। केंद्र सरकार भी मौके पर चौका मारने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन इस सबसे अलग अगर इस हादसे की वजहों और हालात पर बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल की खस्ता हालत और साफ सफाई को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही बच्चों की मौत की अहम कारण है। अस्पताल की खिड़कियों के शीशे नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती बच्चों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है। अस्पताल के कैंपस में सुअर घूमते हैं। अब आप इस बात का खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोटा देश के किसी दूर दराज कोने में बसा कोई गांव नहीं है। राजस्थान जैसे संपन्न राज्य का एक अच्छा खासा जिला है, जहां IIT और नीट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हजारों छात्र हर साल आते हैं। कुल मिलाकर हेल्थ यानी स्वास्थ्य सरकार के एजेंडे पर है ही नहीं। बच्चों की मृत्यु दर को लेकर 18 सितंबर 2018 को जारी यूनाइटेड नेशंस के इंटर एजेंसी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक शिशुओं की मौत के मामले में भारत का रिकॉर्ड बेहद खराब है। दुनिया में नवजात शिशुओं की मौत का औसत 1000 पर 18 है, जबकि भारत में यह 24 है। एक साल में कम उम्र के बच्चों के मामलों की हालत और भी ज्यादा खराब है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में भारत में 8,02,000 बच्चों की मौत हुई, लेकिन वह शायद संसाधनों की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी से हुई थी। भारत अपनी कुल GDP का 2% से भी कम खर्च हेल्थ केयर पर करता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों के मुकाबले यह बेहद कम है। जिस देश में लाखों बच्चे जन्म के साथ ही मर जाते हों, वहां डिफेंस का बजट हेल्थ के बजट से करीब 5 गुना ज़्यादा है। साल 2019-20 के बजट में सरकार ने डिफेंस के लिए पेंशन समेत अलाट किए करीब 4,31,000 करोड़ रुपए, जबकि हेल्थ के हिस्से में आया 62,659 करोड़ रुपए। शिशुओं की मौत के मामले में भारत श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से भी पीछे है। तो अगली बार जब आप कवि प्रदीप का यह लिखा गाना सुने कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो खुद से कहिएगा कि पहले देश के भविष्य को सुरक्षित करने की नहीं, इस देश के वर्तमान को सुरक्षित करने की जरूरत है और इस देश के बच्चों को सलीके से पालने की जरूरत है। बहरहाल, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।